डोमिनोज। तो दूसरी तरफ है ओवन स्टोरी। ओहो डोमिनोज ने ये क्या कर दिया है पर, बट इधर कीमा किधर है? ओ स्कैम हो गया हमारे साथ। ओ इसका मसाला अलग है देखो अंदर का। शो अस सम लव बैक, रेट अस आउट ऑफ 5 स्टार। इट ये है डोमिनोज का, ये है ओवन स्टोरी का। तो ब्लास्ट भी हुआ है, ये देखो चॉकलेट उलझा सिमसी। हेलो बाइटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेक एंड बाय। सो गाइस हम लोग ने नोटिस किया कि आप लोगों को KFC वर्सेस नैशविल का वीडियो बहुत ही पसंद आया कंपैरिजन का, तो इसलिए हम लोग ने सोचा आज भी कंपैरिजन का महासंग्राम हो जाए। yes. लेकिन किसके बीच? दो बड़े ब्रांड के बीच। एक तरफ है डोमिनोज तो दूसरी तरफ है ओवन स्टोरी। भाई एक नंबर ब्रांड है दोनों, और डोमिनोज तो किसका फेवरेट नहीं है, कॉलेज बड़े बूढ़े सब खाते हैं भाई। yes. और ये नया ब्रांड था और इन्होंने भी मार्केट में पूरा हिला डाला, और ये रेबेल फूड्स के अंडर आता है। तो भाई बहुत मजा आने वाला आज का कंपैरिजन, पूरा लास्ट तक देखना। तो अपन किस बेसिस पे कंपैरिजन करने वाले हैं? एक तो प्राइसिंग, दूसरा क्वालिटी, तीसरा क्वांटिटी, और चौथा पैकेजिंग। तो पैकेजिंग भी देखेंगे भाई किसका अच्छा है। वैसे तो इधर है ब्लू, इधर है रेड, तो मस्त कलर है दोनों का। तो चलो बढ़ते हैं राउंड नंबर 1 की तरफ। तो पहले राउंड में हमने लिया है हमारा स्टार्टर, जिसको बोलते हैं भाई गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। यस, तो हम लोग ने लिया है पनीर स्टफ गार्लिक ब्रेड। तो ये भी पनीर स्टफ गार्लिक ब्रेड है और ये भी पनीर स्टफ गार्लिक ब्रेड। तो डोमिनोज का है प्राइस 169 रुपीज, और ओवन स्टोरी के गार्लिक ब्रेड का प्राइस है 179 रुपीज। ओके, तो ये थोड़ा 10 रुपए सस्ता है। यस, तो चलो खोलते हैं इसको अभी। ये बीच में पनीर दिया है भाई। ये है डोमिनोज का और ये है ओवन स्टोरी का। दिखने में तो सिमिलर ही ऑलमोस्ट। तो चलो अभी टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले डोमिनोज टेस्ट करते हैं। यस, ये देखो भाई अंदर देखो क्या बात है यार। मस्का एक नंबर। क्वांटिटी बड़ा है इसका, याद रखना। तो चलो अभी ओवन स्टोरी की बारी। और खास बात देखो, बीच में ये पनीर का टुकड़ा डाला है छोटू सा। इसका मसाला अलग है देखो अंदर का, हल्का स्पाइसी है। देखो ब्रेड सॉफ्ट है। मेरा पर्सनल फेवरेट डोमिनोज गार्लिक ब्रेड। टेस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी भी अच्छा, और प्राइसिंग भी। तो ये राउंड का विजेता हो चुका है डोमिनोज। तो बढ़ते हैं राउंड नंबर 2 की तरफ। तो सेकेंड राउंड में हम लोग ने लिया है पिज्जा मेनिया। लेकिन कौन सा पिज्जा मेनिया? चिकन कीमा ओनियन एंड कैप्सिकम, ये फ्लेवर का लिया है। दोनों भी सेम फ्लेवर के, दोनों में हम लोग ने वही ऑर्डर किया है। पैकेजिंग में देखो ये ऐसा आया है बॉक्स, इनका थोड़ा मस्त शेप है, गोल इसमें अच्छा शेप है, और एक मैसेज भी है क्यूट सा, लव्ड। ये लव्ड योर हो गया, आर होना चाहिए। लव्ड आर फूड। शो अस सम लव बैक, रेट अस आउट ऑफ 5 स्टार, इट मींस द वर्ल्ड टू अस, थैंक्स शेफ मंजू। क्या बात है, और एक मेलोडी भी दिया है साथ में, का खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए। ये होती है मार्केटिंग, बहुत सही है ये, दिमाग लगा रहे हैं, और ऐसे क्यूट क्यूट मैसेजेस लोगों को पसंद आते हैं। डोमिनोज का पिज्जा मेनिया है 139 रुपीज का, और ओवन स्टोरी का पिज्जा मेनिया है 159 रुपीज का। ओहो वाह वाह वाह, क्या बात है। बट ये क्या है, डोमिनोज ने ये क्या कर दिया है पर। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये देखो ये कीमा है, ऑब्वियसली लग रहा है कीमा, बट इधर कीमा किधर है भाई? ये तो टिक्का का पीस है, देखो कितना कड़क है। और इधर देखो ये प्रॉपर कीमा उठाया, अब प्रेस करूंगा, ये होता है कीमा भाई। ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, इसमें इनका -1 हो गया। तो चलो टेस्ट करते हैं अभी। डोमिनोज का टेस्ट अच्छा ही है, बट वो सॉस तो डाला है। यही अच्छा नहीं लगा कि भाई हम लोग ने ऑर्डर किया था चिकन कीमा, और ये चिकन के पीस वाला आ गया, पता नहीं क्या है, एकदम हार्ड पीस है। अभी हम ये ट्राई करेंगे। ओहो पिज्जा स्लाइस देखो भाई, देख के मुंह में पानी आ जाएगा भाई। नाइस,
एक नंबर भाई, ये राउंड का तो पक्का विजेता है भाई ओवन स्टोरी, क्योंकि भाई इन्होंने ऑर्डर भी बराबर दिया, टेस्ट भी बराबर है, पैकेजिंग भी बराबर है, मैसेज भी दिया क्यूट मैसेज, मेलोडी भी दिया, क्या बात है। तो ये राउंड का विजेता है ओवन स्टोरी। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट राउंड की तरफ। यस, तो ये राउंड में हम लोग ने लिया है डेजर्ट, और दोनों ब्रांड से हम लोग ने ऑर्डर किया था चोको लावा केक। और भाई जाना मत, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आपके पास सरप्राइज वाला राउंड आने वाला है, बहुत मस्त है वो भी। और अभी के राउंड की बोला जाए तो दोनों का प्राइसिंग सेम है, दोनों का 109 प्राइस है। क्या बात है, दोनों का केक सेम प्राइस, बाकी पैकेजिंग आप देख सकते। और भाई साहब ये लोग ने दिया है चम्मच, ऐसा लग रहा है फाइव स्टार होटल का चम्मच है। हाँ ना, हाँ। और घर का चम्मच लिया है भाई। ओके, दोनों का सेम है भाई, दोनों ने क्या एक ही शेफ है क्या दोनों का। ये देखो भाई, ये है डोमिनोज का, ये है ओवन स्टोरी का। यस, और ये थोड़ा ऐसा देखने में थोड़ा कड़क लग रहा है, ये थोड़ा ब्लास्ट होने वाला ऐसा लग रहा है। तो अभी खा के ही पता चलो। सबसे पहले हम लोग डोमिनोज का ट्राई करते हैं। सॉफ्ट ही है और ब्लास्ट भी हुआ है, ये देखो चॉकलेट। आहा, थोड़ा स्टिकी है भाई, सच बोल रहा। केक स्मूथ है लेकिन सॉफ्ट स्मूथ है, ऊपर चिपक रहा है पर। अब ये देखते हैं। ये देखो भाई, ये है ओवन स्टोरी का। ये थोड़ा डार्क चॉकलेट है और ये थोड़ा स्वीट चॉकलेट है इसमें, लेकिन चॉकलेट ज्यादा है। चॉकलेट तो ज्यादा है, चोकोलावा केक है तो चॉकलेट ब्लास्ट होना चाहिए, तो चॉकलेट तो ज्यादा होना चाहिए। इसमें साइज बड़ा है तो उसमें साइज कम है। इसमें चॉकलेट ज्यादा है उसमें थोड़ा सा कम है। सॉफ्ट तो दोनों भी है। तो भाई हम लोग ने सब कुछ देखा, सब कुछ काउंट किया प्रॉपर, हमारे हिसाब से ये राउंड के विनर है। और एक बार तू और एक बाइट खा ले, ले भाई अभी फिर डिसाइड कर, ले और एक चांस दिया तुमको। हमारे हिसाब से ये राउंड का विनर है ओवन स्टोरी। चलो भाई अब बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल डिसाइडिंग राउंड, यस, फोर की तरफ। तो लास्ट राउंड में हम लोग ने लिया है दोनों ब्रांड से पिज्जा, बट नॉर्मल पिज्जा नहीं, चीज बस्ट पिज्जा। और फ्लेवर कौन सा है चीज बस्ट पिज्जा में? फ्लेवर है चिकन टिक्का चीज बस्ट, ये ओवन स्टोरी का है और इसका प्राइस है 329 और डोमिनोज का प्राइस है 434। और ये भी ये चीज बस्ट है चिकन टिक्का, लेकिन इसका नाम है इंडी चिकन टिक्का। ओके, बट प्राइस डिफरेंस देखे तो बहुत बड़ा है भाई, साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बट प्राइस। खुल जा सिमसी। भाई ये तो कलरफुल लग रहा है फुल। यस, ये है डोमिनोज का पिज्जा और ये है ओवन स्टोरी का पिज्जा, दोनों चीज बस्ट है। तो चलो इस बार सबसे पहले ओवन स्टोरी का ही ट्राई कर। चलो सही, बट टच तो कर, इतना सॉफ्ट। ये देखो भाई स्लाइस ऐसा दिख रहा है। चलो चीज है तो सही, लेकिन इतना नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है इसको इंजेक्शन मारा है चीज का, वैसा अंदर भर के नहीं लग रहा है। ये तो हो गया ओवन स्टोरी का, अब ट्राई करते हैं डोमिनोज का, जिसपे भाई सॉस एकदम डाल के एकदम भेजा है भाई। ऊपर ग्रीन कलर का सॉस दिख रहा है, वो है मेंट सॉस। चलो ऐसा लग रहा है सेंट ऑफ रेस्ट पान का सन डाला है अंदर, पान फ्लेवर का सॉस डाला है ऐसा लग रहा है। संकेत सच बात बोलू तो इसका चीज बस्ट भी मेरे को हाफ नहीं लगा, मेरे को भी नहीं लगा, क्योंकि क्वांटिटी भी अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है चीज बस्ट की, बट एक है इसपे थोड़ा क्रिस्पीनेस है और ये एकदम सॉफ्ट है मलाई जैसा। बाकी टेस्ट मेरे को इसका भी इतना खास नहीं लगा यार, एक्सपेक्टेशंस बहुत था। और मेरे को लग रहा है ये डाला क्यों सॉस, अभी ऐसे देना चाहिए था ऐसा लग रहा है। मैं चीज बस्ट का पैसा लिया, चीज बस्ट उतना नहीं डाला है, मतलब एकदम ही कम है। तो क्या करे ये राउंड का, एक ही ऑप्शन है। हम लोग ने तो क्राइटेरिया बता दिया, प्राइसिंग बता दी, क्वालिटी बता दी, क्वांटिटी बता दी, कैसा और क्या पूरा है? सच आपके सामने रख दिया। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि आज का जो चैलेंज है कंपैरिजन का, वो डोमिनोज जीता
या ओ वन स्टोरी जीता, ये आपको डिसाइड करना है। पूरा कमेंट सेक्शन भर दो, जो आपको पसंद है वो बिंदास लिखो, बट एक ही नाम लिखना, डोमिनोज या तो फिर ओ वन स्टोरी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का स्पेशल कंपैरिजन का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक वेगन मेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आप भी हमारे जैसे खाओ पियो और मौज करो, और याद से कमेंट करना, कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंपैरिजन में कौन सा करें कमेंट में जरूर बताना भाई, तो हम लोग वो दो ब्रांड को भिड़ाएंगे।